तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकाटेक सिटी के अंदर एंट्री मारता है, जिस सिटी के बारे में हमेशा बीस्ट और डेमोन यहाँ पे आते रहते, तो वहाँ पे जंग वंग होती रहती है, जिस चक्कर में बाहर लाशें वाशें फैली हुई थी। जैसे सिटी में एंट्री मारते ना, इनको आवाज़ आती है, भाई ऐसा लगता है ढेर सारे कोई तो आ रही है, जो बीस्ट ना बीस्ट बेसिकली यहाँ पे आ रहे थे। तो सिटी के अंदर सब लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, सिटी के गेट के ऊपर यहाँ पे चला थे और ढेर सारे बीस्ट बीस्ट हमला कर रहे थे। तो हमारा जो मेकट है ना, उनको पूछते कि अभी इस एरिया में जो बीस्ट वगैरह एक बार में झुंड बना के ऐसे आते रहते हैं क्या? गार्ड बताता है यस आते रहते हैं, और सिटी के जो भी लोग हैं ना वो सिटी में छुपे रहते हैं, लेकिन ये जो हमला इतने बार हो चुका ना, जो सिटी का गेट ना बड़ा कमजोर हो चुका है। ऐसा कहा जाता है 15-20 दिन बाद ना पूरा का पूरा गेट भी टूट सकता है। हमारा मेकट सोचते क्या पूरा गेट भी टूट जाएगा? अरे पूरा गेट यहाँ पे टूट जाएगा तो सिटी के जो लोग हैं ना, सिटी के लोग की भी बैंड बच सकती है। जो डॉग है डॉग भी कहता है मालिक क्या हुआ, टेंशन हो रहा है क्या, हम यहाँ पर ना हमारे हाथों में कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा मेकट भी कहता है या मुझे पूरा विश्वास है, मुझे जो सिटी के लोग हैं उनको बचाना, सिटी से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिटी चाहे तो बर्बाद भी हो जाए। उतने में जो भी विष्ट जो गेट पर हमला करे थे ना, तो दाजी कहते कि भैया ऐसा लगता है किसी और चीज़ ने उनके माइंड को अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि भाई इतने भी पागल विष्ट नहीं होते जिस पागलपन से लोग अटैक वटैक किए जा रहे हैं। यानी जो भी बात बात पर अटैक होता है ना बिस्टों का, उसके पीछे भी कोई एक मास्टर माइंड यहाँ पर होगा। उतने में दूर से आवाज़ आती है एक आदमी का जो ये चिल्ला था, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने मालिक से मिलना है, मेरे बीच में यहाँ पे मत आओ। इतना बोलकर जो भी थे ना भाई बिस्ट लोग उनको मारने लग जाता है, और सिस्टम में लिख रहा था बधाई हो भाई ली युआन, यही आपका समन किया हुआ गॉडियन जो कि इस बार यहाँ पे आ रहा है। उसके बारे में जो भी सारी बातें ना, सारी की सारी बातें डिटेल में लिखे सामने आ जाती है। और जो ली युआन यहाँ पे था, मारे जा रहे सारे बिस्टों को, और दूर से हमारा मेकटा देखते जाता है। ली युआन मुझे यहाँ पे याद आया, ये भी बल्कि एक डेमोन यहाँ पर है, ऐसा डेमोन जिसके अंदर कमाल कर ना रॉक नाम का जो डिवाइन ब्लड होता है ना, डिवाइन ब्लड का ब्लड लाइन इसके अंदर यहाँ पर है, माना पड़ेगा सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। जो गार्ड था ना, गार्ड भी कहता है वो यार ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, अगर ये हमको ऐसी सपोर्ट यहाँ पे करता रहना तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारा मेकट भी कहता है या इसके लिए जो सपोर्ट है ना, मैं सपोर्ट के लिए इसको बुलाने यहाँ पे जाता हूँ। तो दाजी यहाँ पे रोक देती है ये कहते हुए कि नहीं प्लीज उसके पास यहाँ पे मत जाइए, उसके अंदर से जो पावर है ना मुझे महसूस हो रहा है मेरे से भी काफी ज्यादा हार्ड लेवल का है। पीछे से ड्रैगन भी रोकती है, मेरे से ज्यादा हार्ड लेवल का लग रहा है, अगर आप जाओगे उसने यहाँ पे अटैक कर दिया तो क्या हो जाएगा? सामने से जो था ना भाई अपना मॉन्क, वो मॉन्क बताता है भाई जो भी डेमोन लोग अटैक करते ना उन डेमोन लोग का जो डेमोन किंग है ना, डेमोन किंग भी आ रहा है। हाँ तो टाइगर जैसा दिखना डेमोन किंग था, वो अपना जो इंसान था ना ली युआन उस पर चला था कि वो साले इंसान के बचे खबरदार, अगर तूने मेरे जैसे और भी इष्टों को मारा तो। जो पब्लिक यहाँ पे थी ना डर के मारे और दूर भाग रही, माय गॉड भागो भागो डेमोन किंग भी आ गया। तो सामने से अपनी दाजी भी कहती है माय गॉड ये जो डेमोन किंग है ना मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लग रहा है, शायद जो आदमी है ना जो स्ट्रॉन्ग आदमी यहाँ पर आया ली युआन वो टिक नहीं पाएगा। हाँ तो ये सामने से क्या बोलता है हमारे मेकर टक वो टिक जाएगा। और यहाँ पे आते हैं भाई फाइट की ओर, जहाँ पे जो डेमोन किंग है ना, डेमोन किंग चलाया जा रहा था, अपना ली युआन कहता है कि सुनो मेरी बात यार, मैं आज तुझे जान से मारूंगा, तू एक बिल्ली मेरे सामने टाइगर नहीं है। जो सुनते हो टाइगर डेमोन किंग को और गुस्सा आ जाता है, घमंडी आदमी ये इतना बोल के अटैक करता है। हमारा जो ली युआन है ना वो भी ऐसा जंप मारता है, उसके हाथ में गदा जैसा कोई वेपन यहाँ पे था, वो लेकर डरेगा ना एक ही अटैक करता है, लिटरली एक ही अटैक में उससे टाइगर वाले डेमोन किंग की जान निकल जाती है। और तभी ना उसके बॉडी के अंदर से देख सकते हैं आत्मा जैसा कुछ तो निकलता है, जो कि अपने ली युआन पे चलाता है ये कहते हुए कि इंसान के बच्चे ये टाइगर की मेरा प्यारा सा फेवरेट सा पेट यहाँ पे था, तूने मेरे सबसे फेवरेट पेट को यहाँ पे मार डाला। जो सुनता अपना ली युआन कहता है साले तू तो डरपोक बच्चे जैसा है जो कि अपने माँ के पल्लू में छुपा हुआ, अगर हिम्मत यहाँ पर है ना हाँ तो सामने यहाँ पर आ, रुक मैंने यानी तेरे बाप ने तेरे फेवरेट पेट को यहाँ पे मारा, टाइगर की बॉडी पे मार मार के उसके टुकड़े कर देता है। और सारे डेमोन मारे जा चुके थे, डेमोन किंग यानी टाइगर भी मारा जा चुका है। उसके बाद ये उछल के सीढ़ी के गेट पे आ जाता है और हमारे मेकट के पास आने के लिए तो अपनी दाजी ड्रैगन मॉन्क बुढ़ा साहब सामने आ जाता है, कहते हैं मालिक टेंशन मत लो हमारे रहते भर में ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारा मेकट खुद उसके सामने जाता है, कहते हैं ली युआन कैसो यार तुमने अच्छा काम किया, वो भी कहता है मालिक आपको छूट गया मेरी तारीफ करने के लिए। जैसे पब्लिक यहाँ पे देखते हैं उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि भाई मॉन्क वो बुढ़ा दाजी ड्रैगन सब उसकी चाट रहे, अब इतने स्ट्रॉन्ग बंदे उसके चाट नहीं आ गया, यानी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे उसके सपोर्टर है यार, उसका देश की पावर तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सामने से ना ये हमारा मेकट भी कहता नहीं यार तू अपना बंदा, तुझे भाई ऐसे घुटने पे आने की जरूरत नहीं है, वो भी कहता हाँ मालिक आप ही का बंदा। जो ड्रैगन थी ना ड्रैगन यहाँ पे कहती हाँ लेकिन आप हमारे बाबू को जानते हो क्या, ऐसे कैसे जानते हो यार? तो ये बता दो जब मैं छोटा बच्चा था ना मेरा कोई भी नहीं था, मैं गरीब आदमी यार मैं भूख से तड़प रहा था, ये मेरे पास यहाँ पर है, इन्होंने मुझे खाना यहाँ पे दिया और आज मुझे इतना कमाल का यहाँ पे बना दिया। तो सामने से हमारा मेकट भी कहता है अरे यार यार पुरानी बातों पर टेंशन, ध्यान देने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि यार मेरे आने के बाद ना ड्रैगन और ये जो भी यहाँ पर है ना भाई ये ली युआन वो सब नए नए करेक्टर यहाँ पर आए, तो इनके दिमाग में बस एक मेमोरी यहाँ पर आ गई है कि ऐसा ऐसा हुआ था ताकि लोग मुझे आके सपोर्ट वपोर्ट यहाँ पे करें, सिस्टम को भी मानना पड़ेगा क्या मेमोरी तैयार की है। उसके
बाद जो बाकी पब्लिक थी वो शुक्रिया करती कि भाई शुक्रिया आपने हमको बिस्टों से बचा लिया। तो वो भी कहते कि मैं तो बस अपने मालिक से मिलना चाहता, वो सारे डेमोन मेरे बीच में आ रहे थे इसलिए मैंने मारा, उन्हें तुम्हारे बारे में परवाह कौन करता है। हमारा मेकअट अभी कहता चलो यार इतना एटीट्यूड में देखा, हमको अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। अंदर यहाँ पे जाते हैं, ये जो बात यहाँ पे थी कि भाई हमारा प्रिंस आया है, उसके बंदे लोग आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग बंदा आया है उसने बचा लिया है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे फैल जाती है। और जैसे सारी बातें यहाँ पे फैलती है ना तो सारे बंदे हमारे मेकअट से बड़े खुश होते हैं। और जो सिटी का लॉर्ड यहाँ पे था ना उसने 11,000 क्रिस्टल भी दे दिया था गिफ्ट में, और साथ ही में ना इन्फॉर्मेशन भी दिया था वो जो डेमोन किंग था ना डेमोन किंग के बारे में। और सर डेमोन किंग का मालूम है सपोर्टर यहाँ पे कौन है, एक सेट यहाँ पर है कॉन्स्टलेशन सेट, उस सेट का जो एक एल्डर यहाँ पर नाम, उस एल्डर ने बेसिकली इसको सपोर्ट यहाँ पे किया। और ली मांग उसका यहाँ पे नाम है, उसका जो लेवल है ना उसका लेवल भी शायद अर्थ इमॉर्टल लेवल के बराबर यहाँ पर होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन दाजी बताती है। और ये भी कहती है क्यों आपको डर लग रहा है क्या, जो सुनता हमारा मेकअट डर लग रहा है, बिल्कुल भी मुझे डर यहाँ पे नहीं लग रहा, बहुत ही जल्दी जैसे मैं अपने देश का राजा यहाँ पे बनूंगा ना अपनी टीम तैयार करूंगा। और ये कॉन्स्टलेशन सेट के अभी इसके अलावा जो बाकी 6 सेट है ना सारे सेट की बैंड बजा के अपने अंडर में लेकर आ जाऊंगा, क्यों कैसा लगा मेरा आइडिया। उतने में बाहर साइड से ना बड़ी गंदी सी बदबू आने लग जाती है, इसका भी दिमाग कहते हैं कि अरे वहां पर इतनी गंदी सी बदबू कहां से आ रही है। जैसे चेक करने जाता ना तो फॉग यहाँ पे था हरे रंग का, गार्ड यहाँ पे कहते हैं कि भाई अंदर ही रहिए, आगे कुछ अजीब सा हरे रंग का फॉग है उसी के अंदर से इतनी बेकार स्मेल आ रही है। तो लियुआन कहता है मालिक टेंशन मत लो यार, मुझे पूरा विश्वास है पॉइजन ड्रैगन नाम का ड्रैगन यहाँ पर होते हैं, उनमें से कोई एक होगा, वही जब सांस लेते हैं या फिर अपना फॉग छोड़ते हैं उसके अंदर से ऐसा स्मेल आता है और लो लेवल है मेरे से, मैं उसको आराम से यहाँ पे हरा सकता हूँ। हमारा मेकअट भी कहता है ऐसी बात है क्या, तो चलो यार आगे उसको बताता भी कि सुनो मेरी बात, अगर सच्ची में इतना कमाल का कोई ड्रैगन यहाँ पर है तो हो सकता है यहाँ पे कोई कमाल का ट्रेजर आइटम होगा, उसी ट्रेजर आइटम को प्रोटेक्शन करने के लिए वो रुका हुआ रहेगा ड्रैगन। जो सुनते वो बंदा बताता हाँ, और मेरे ख्याल से ना कोई अभी कोई इंसान आ गया होगा या कोई आया होगा जो ट्रेजर आइटम लेने की कोशिश करे, तो ड्रैगन पक्का उसके साथ फाइट करा होगा, उसी फाइट के चक्कर में ये फॉग यहाँ पर रिलीज हो रहा होगा। जो सुनता हमारा मेकअट कहता है ये हुई ना बात, तो चलो जल्दी आगे। तो जैसे आगे जाते हैं ना तो सच्ची में पॉइजन ड्रैगन यहाँ पे था जो ढेर सारे बंदों के साथ ना फाइट वाइट यहाँ पे कर रहा था, बाकी बंदों पे अटैक करता है और अटैक करके उनको दूर यहाँ पे करता है। वो बंदे लोग भी देखते हैं शिट यार ये ड्रैगन तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मेकअट वहाँ पे आ जाता है, बाकी पब्लिक कहती है साले तू कौन है। हमारा मेकअट देखता कि वाओ यार क्या ड्रैगन यहाँ पर है, काफी गुस्से काफी खतरनाक। और तब उसका ध्यान जाता है कि ड्रैगन के आसपास एक अजीब सा फ्लावर जैसा कुछ तो यहाँ पर है, पक्का कुछ कमाल का होगा, उसी का प्रोटेक्शन कर रहा है और बाकी लोग वही लेना चाहते हैं, तो ये बाकी को लेने देने दे नहीं रहा। आई थिंक यार मुझे मिल जाएगा तो फायदा हो जाएगा, तो बिंदास आगे बढ़ने लग जाता है। पब्लिक कहती आगे मत जा यार वो ड्रैगन बड़ा खतरनाक है। हमारा मेकअट आगे चल जाता है और जो ड्रैगन है ना ड्रैगन अपने पूंछ से अटैक करने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन पीछे से अपना जो था ना अभी क्या बोलते हैं वही लियुआन वो आ जाता है और आते उसका पूंछ ना पकड़ लेता है और कहते साला आपन तेरा बाप यहाँ पर है और तू मेरे मालिक पे अटैक करेगा, मालिक तेरे दद्दा लगेंगे ये ले, इतना बोल के उसको उठाकर ना वहीं पे फेंक देता है। जो पब्लिक यहाँ पे थी ना देख के चौंक जाती है, अरे बाप रे ये आदमी कौन है भाई, कितना इसका लेवल है, क्या पावर है, ड्रैगन को एक ही अटैक से उठा के फेंक दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते हैं भाई आइटम क्या है और उससे हमारे मेकअट को फायदा मिलता है या नहीं मिलता, जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।